सैकड़ों छात्रों के बीच फंसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। छात्रों ने जेपी नड्डा को घेर कर लगाए नड्डा गो बैक के नारे। भारतीय जनता पार्टी के कई फैसलों को लेकर के आज देश के युवाओं में, देश के छात्रों में काफी गुस्सा है। कई बार छात्रों ने अपनी मांग को लेकर सरकार के आगे गुहार लगाई और कई आवेदन भी लिखे, लेकिन छात्रों की कोई भी किसी भी मांग पर मंजूरी देने को रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ता, जिसके बाद रोष में आकर छात्र प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। लेकिन इसके जवाब में भी छात्रों को सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिलती है। भाजपा की अग्निवीर स्कीम को लेकर बिहार में कितना बवाल खड़ा हुआ था ये तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी भाजपा के नियम कानून टस से मस नहीं हुए। और कितना ही प्रदर्शन करने के बाद किसी भी भाजपाई ने आकर छात्रों से बात करना, उनका हौसला बढ़ाना या उनको आश्वासन देना जरूरी नहीं समझा। तब से ही भाजपा नेता मंत्री छात्राओं की पहुंच से बाहर थे, लेकिन आज जेपी नड्डा के सामने आते ही सैकड़ों की तादाद में छात्र उनके आगे टूट पड़े और नड्डा को घेर लिया। और सिर्फ घेरा ही नहीं बल्कि नड्डा के मुंह पर गो बैक के नारे लगाए और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। तो देखा आपने कैसे छात्रों की भीड़ में नड्डा जी फंसे थे। छात्रों से छुटकारा पाना चाहते थे, वहां से निकलना चाहते थे, अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन छात्रों ने उन्हें घेर रखा था। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो गुरु, अब कैसे बचकर जाओगे। नड्डा के सामने छात्र अपनी मांग रखना चाहते हैं। नड्डा को उनके मुंह पर गो बैक किनारे गुस्सा दिखा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। ये छात्रों का गुस्सा है उनकी मांग को पूरा ना करने के लिए। छात्र परेशान है, लाचार है, उनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं। जेपी नड्डा के इस भारी विरोध का एक और वीडियो देखिए। दरअसल भाजपा के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छात्रों का जोरदार विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। छात्रों ने बड़ी संख्या में जेपी नड्डा के काफिले को रोककर जेपी नड्डा गो बैक का नारा लगाया और साथ ही काला झंडा भी दिखाया। इस दौरान हंगामे और नारे की आवाज से पटना यूनिवर्सिटी परिसर काफी देर तक गूंजता रहा। मामला पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने को लेकर है, जिसकी वजह से छात्रों ने हंगामा शुरू किया। AISA से जुड़े छात्र ने नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर पटना यूनिवर्सिटी के हितों की अनदेखी करने का कथित आरोप लगाया। इस दौरान वहां जेपी नड्डा के समर्थन में उनका स्वागत करने के लिए वहां ABVP के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और छात्रों का हंगामा देख ABVP के कार्यकर्ता नड्डा के समर्थन में खड़े हो गए और ISA के छात्र से उलझने लगे। अब भला सरेआम नड्डा जी का इस तरह विरोध हो और ABVP के कार्यकर्ता हाथ पर हाथ रखकर देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें तो पाला पोसा ही इसलिए जा रहा है ताकि वो भाजपाइयों के गार्ड्स बन जाए और उनका हर काम करे, फिर वो चाहे लाचार छात्र अपने हक की मांग ही क्यों ना कर रहे हो। ABVP को तो उनसे उलझना ही था। ISA छात्र और ABVP, ये दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई और मौके पर स्थिति भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। इस पूरे हंगामे को देखते हुए पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज भी की, लेकिन तब तक नड्डा जी अपने सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस बल की मदद से वहां से चुपचाप खिसक लिए। और करते भी क्या, यही तो भाजपाइयों को आता है। जहां कोई कुछ मांग कर या अपने हक के लिए आवाज उठाए या सरकार से उनकी नीतियों के लिए सवाल करे, भाजपा नेता सबसे पहले वहां से खिसक लेना बेहतर समझते हैं। जेपी नड्डा भी वहां छात्रों की भीड़ से बचते बचाते वहां से दुम दबाकर भागे।
आयशा के छात्रों की जेपी नड्डा से मांग थी कि कॉलेज में G+7 बिल्डिंग बनाई जाए। छात्रों का कहना था कि पटना कॉलेज में ऑडिटोरियम नहीं है, जिसके कारण दीक्षांत समारोह के आयोजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पटना विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम बनाया जाए और छात्रों की समस्या को निदान किया जाए। लेकिन इन सब का नड्डा जी के पास कोई जवाब नहीं था। आयशा ने नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने की मांग भी की, मांग करते हुए काले झंडे दिखाए। जानकर हैरानी होगी कि जेपी नड्डा का जन्म पढ़ाई लिखाई पटना में हुआ। जेपी नड्डा और उनके परिवार पटना से पुराना नाता है, लेकिन उसके बाद भी कभी भी अपने पुराने शिक्षण संस्थान का जायजा लेने पटना यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे, लेकिन वहां आज पहुंचे तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रों ने विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना होगा, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी नड्डा जी अपनी ही यूनिवर्सिटी को सुधार नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।